दिनेश कार्तिक ने मोहाली में एक के बाद एक की गलती है तो रोहित शर्मा गुस्से में जाकर पकड़ ली गर्दन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 208 रन का विशाल स्कोर बनाया। हालांकि इसके बावजूद भारत इस स्कोर के बचाव में काफी दिक्कत आ रहा है और उसके लिए रन रोकने का साथ साथ विकेट लेना भी अहम है। इसका नजारा हम उस समय देखने को मिला जब कप्तान रोहित शर्मा अपना आपा खो दिए। मैच के दौरान दिनेश कार्तिक के खिलाफ रोहित शर्मा गुस्सा देखने लायक था। दरअसल अक्षर पटेल ने कप्तान एडम फिच को जल्द ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद वीरेंद्र चहल ने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया। वीरेंद्र चहल की गेंद पर स्मिथ बिल्कुल स्टंप के बीच पाए गए, लेकिन LPW के खिलाफ ना तो दिनेश कार्तिक अपील की ना किसी अन्य खिलाड़ी ने अपील की। कार्तिक ने चहल के ओवर में एक तो LPW का फैसला नहीं लिया था और फिर उमेश यादव की अगली ओवर में 2 बार एज लगने के बाद भी अपील नहीं किया दिनेश कार्तिक। एक के बाद एक गलतियां करने के बाद रोहित शर्मा को गुस्सा आ गया, जो दिनेश कार्तिक पर गर्दन जाकर सीधे पकड़ लिया। रोहित शर्मा ने तुरंत रिव्यू लेते हुए दिनेश कार्तिक पर नाराजगी जाहिर की और चाहते थे कि दिनेश कार्तिक बतौर विकेट कीपर थोड़ा एक्टिव रहे।